Hi guys, my name is Uma Sarwar. Welcome back to my channel. Today's video is very important for the students who wants to apply in bachelor and master degree program, because it's a good news for the students that University of Messina has announced the application for master and bachelor degree program. So in this video, I'm going to answer all the questions that what are the requirements to apply in bachelor and master degree program, what is the application deadline and application procedure. So first, I'll tell you that it is one of the oldest university in Italy. It is founded in 1548. So you can say that it's the oldest university, among the oldest universities in Italy. And world ranking mein iska number jo aata hai, wo 618. And the application deadline to apply in bachelor and master degree program is June 1st, 2023. So you have a lot of time now. It's March, so you have more than 2 months to apply in this university. First, prepare all the documents. When you prepare all the documents, because there are some requirements in all the universities that you have to prepare all the documents, just like your CV, your academic documents, your motivational letter, your recommendation letter, your references, everything. Then apply in this university before June 1st, 2023. यहाँ पे डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा है इस यूनिवर्सिटी में, मोर देन आई थिंक 10 डिपार्टमेंट्स हैं कि जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं. स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं. तो अगर आप इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो आप इन डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं. सो अब हमें चलना चाहिए एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ, ताकि मैं आपको सारा बता सकूँ कि आपने एप्लीकेशन जो है वो कैसे फिल करनी है. ओके गाइस, अवर फर्स्ट स्टेप इज कि हम लोगों ने यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना. ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी. ये देखिए, यहाँ पे आप आएंगे तो देखना एप्लीकेशन एंड एडमिशन है. नाउ आई क्लिक ऑन एप्लीकेशन एंड एडमिशन. इस पेज पे काफ़ी इंफॉर्मेशन दी गई है. द फर्स्ट वन, द एप्लीकेशन कॉल फॉर 2023-2024 फॉर द बैचलर डिग्री प्रोग्राम एंड फॉर द मास्टर डिग्री प्रोग्राम ओपन ऑन February 1st. एंड दैट एप्लीकेशन डेड लाइन इज June 1st. इनकी जो एप्लीकेशन डेड लाइन है, डेट इज June 1st. हियर इज ऑल्सो अनदर नोटिफिकेशन फॉर द मेडिकल डिग्री प्रोग्राम्स और द वोकेशनल मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स, के द एप्लीकेशन कॉल हैज़ बीन पोस्टपोन फॉर द मेडिकल डिग्री प्रोग्राम एंड फॉर द मास्टर डिग्री वोकेशनल मास्टर डिग्री प्रोग्राम. एप्लीकेशन जो है वो हैज़ बीन पोस्टपोन, के वो पोस्टपोन हो गई है. अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, के आई एम टेलिंग यू कि जो डिग्री प्रोग्राम इंग्लिश में पढ़ाई जा रही हैं, आई एम गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट दोज प्रोग्राम जो कि इटालियन में पढ़ाई जा रही हैं, आई एम नॉट गिविंग यू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दोज प्रोग्राम्स. द नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं. द रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट फॉर द बैचलर डिग्री प्रोग्राम एंड फॉर द मास्टर डिग्री प्रोग्राम, के सबके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी डिफरेंट है. फर्स्ट वन इज़ इंग्लिश प्रोफेशनसी रिक्वायरमेंट हो जाएगी, कि आपको इंग्लिश प्रोफेशनसी कितनी चाहिए, क्या चाहिए, वो आप देख लीजिएगा. क्योंकि अगर मैंने वन बाय वन डिटेल में ये चीज़ें बताई तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी. बैचलर में कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, वो आप देख लीजिएगा. मास्टर्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी आप देख लीजिएगा. जिस तरह हाई स्कूल डिप्लोमा हो गया, बैचलर डिग्री प्रोग्राम हो गया, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हो गया, वैलिड पासपोर्ट हो गया और इंग्लिश प्रोफेशनसी सर्टिफिकेट हो गया. अगर आपने आयल्स किया हुआ है, वेल एंड गुड, उसके पॉइंट्स आपको मिलेंगे. अगर आपने आयल्स नहीं किया, बिकॉज आयल्स इज़ नॉट कंपल्सरी, आयल्स के प्लस पॉइंट ज़रूर मिलता है, लेकिन इफ़ आपने आयल्स नहीं किया तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. अब हम जाते हैं यहाँ पे, देखिएगा यूनि में एप्लीकेशन पोर्टल दिया गया है. Then we have to click on this one. It will take us to a new page, that is this. Okay, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ. मैंने यहाँ पर अपना आई डी बना ली है, मैं लॉग आउट कर देती हूँ. हाँ, ये हमें इस पेज पर लेके जाएगा. जब हमें इस पेज पर लेके जाएगा, अगर आपने पहले अपना आई डी बना लिया तो आप लॉग इन करें, अगर आपने अपना आई डी नहीं बनाया तो आप रजिस्टर करेंगे. रजिस्टर सेम ईजी है, हर यूनिवर्सिटी का सेम होता है. ई मेल एड्रेस हो गया, पासवर्ड हो गया, फुल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी नंबर पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर देना है. पासपोर्ट नंबर देंगे आप, रजिस्टर कर लेंगे और आपका रजिस्टर हो जाएगा. मैंने अपना आईडी बना लिया था तो मैं यहाँ पे अपना आईडी दूंगी. इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इजी है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है और कोई ईजीली अप्लाई कर सकता है. तो मैं आपको ये कहती हूँ कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है, आप खुद अप्लाई करें, कंसल्टेंट्स के पास ना जाएं, क्योंकि उन्होंने भी सेम उसी तरीके से अप्लाई करना है जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आपने अप्लाई करना है. अच्छा, अब हम कंटिन्यू पे जाते हैं. मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी थी, लेकिन आपको जब ये करेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा.
अपने स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा. द फर्स्ट पेज इज अबाउट इंफॉर्मेशन. यू हैव टू मेंशन योर कोर्स प्रोग्राम टाइप. इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन बैचलर डिग्री देन यू हैव टू क्लिक ऑन बैचलर. इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन मास्टर डिग्री देन क्लिक ऑन मास्टर डिग्री प्रोग्राम. मास्टर डिग्री में ये देखिएगा, ये 5-6 कोर्सेज करवा रहे हैं. आप इनमें से देख लीजिएगा जो भी आपका कोर्स होगा. सपोज मैंने कर दिया बिजनेस कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट, इस पर क्लिक किया, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. नेक्स्ट पे चले जाएंगे. यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप मेंशन कर सकते हैं, जस्ट लाइक योर फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई. उसके बाद आपकी फ़ोटो हो जाएगी, जो रिसेंट पासपोर्ट साइज आपकी फ़ोटो है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है. आपका जेंडर हो जाएगा, सिटी ऑफ बर्थ हो जाएगा, कंट्री ऑफ बर्थ हो जाएगा, नेशनैलिटी. ये बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है. इसके बाद आपका आ जाएगा पासपोर्ट नंबर. पासपोर्ट नंबर के फ़ौरन बाद आपने अपलोड करना है अपना पासपोर्ट. पासपोर्ट अपलोड करके, अभी मेरे पास पासपोर्ट की कोई फ़ोटो नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपलोड नहीं किया. ईमेल एड्रेस आ जाएगा, आपका स्ट्रीट नंबर आ जाएगा, सिटी नेम आ जाएगा, आप जहाँ पे रह रहे हैं वो सिटी नेम, पोस्ट कोड आ जाएगा, कंट्री आ जाएगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा. आप नेक्स्ट पे जाएंगे और लैंग्वेज आ जाएगा. लैंग्वेज में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे B1, B2, C1, C2 आपकी जो भी इंग्लिश लेवल है आपने उसे क्लिक कर देना है. B1 तो आप ना कीजिएगा क्योंकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो B1 है. और पाकिस्तान में मैंने देखा है, पाकिस्तान इंडिया में बहुत से स्टूडेंट्स की इंग्लिश काफ़ी अच्छी है. सो आई सजेस्ट यू टू क्लिक ऑन B2. B2 जब आप करेंगे यहाँ पे इंटरनेशनल इंग्लिश सर्टिफिकेट अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन आ जाएगा. आप यहाँ पे इंग्लिश प्रोफेशनसी सर्टिफिकेट आप लिख दीजिएगा और यहाँ पे आप वो अपलोड कर दीजिएगा. जब आप वो अपलोड करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा. अगर आपका B2 लेवल है, B2 कर लें. अगर आपकी इंग्लिश उससे ज़्यादा अच्छी है तो C1 भी आप कर सकते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन यू. नेक्स्ट पे क्लिक किया. नेक्स्ट पे क्लिक करके यू हैव अ CV, देन अपलोड योर CV हियर. CV शुड बी इन द यूरोपियन स्टाइल. यूरोपियन स्टाइल होना चाहिए, उसका फॉर्मेट जो है यूरोपियन होना चाहिए. दिस पेज इज़ अबाउट योर एजुकेशन. हाई स्कूल डिप्लोमा, डिड यू गेट योर हाई स्कूल डिप्लोमा? येस, बिकॉज यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स. So obviously you have your high school diploma. Yes पे क्लिक किया. Then you have to upload your high school diploma. High school diploma आपने कर देना है. ये सारा कुछ आ जाएगा, high school आ जाएगा. इसके अलावा जितनी भी आपके पास degrees वगैरह हैं आपने यहाँ पे upload करते जाना है, आपको पता चल जाएगा. High degree आ जाएगी, most recent जो भी आपने किया. अगर आपने bachelor किया है, bachelor कर देना. इस तरीके से आपके जो जो भी आपकी requirement, यानी कि जो जो भी आपकी institution है, institution name आ जाएगा, डिग्री आ जाएगी, सारा कुछ आ जाएगा. जब आप वो सारा कुछ अपलोड कर देंगे उसके बाद आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आ जाएगा. प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आपने पहले कोई जॉब की है देन यू हैव टू मेंशन येस यू हैव ऑलरेडी अ जॉब, मींस यू हैव अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. देन यू कैन क्लिक ऑन येस. और अगर क्लिक करेंगे येस पे देन एक्सपीरियंस वन जो भी आपने किया है, सपोज आपने किसी ऑफिस में जॉब के पहले आपने किया, आपने फुल टाइम की है, पार्ट टाइम की है, फुल टाइम कर लेते हैं हम. ड्यूरेशन आपका कितना था, लेस देन 1 month था, 1 to 6 months, सपोज हम कर देते हैं 6 to 12 months था. कंपनी एंड एसोसिएशन, कोई भी जिस कंपनी में आपने किया था उसका नेम मेंशन कर दें, सेक्टर क्या था, कंट्री क्या था और जॉब टाइटल वगैरह क्या था. और अगर आपके पास वहाँ का कोई रेफरेंस लेटर है, बिकॉज आपको रेफरेंस लेटर वगैरह तो वहाँ से मिलता है, उसे आपने अपलोड कर देना है. और अगर आपने कोई जॉब नहीं की है देन सिंपली क्लिक ऑन नो. लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक मशवरा देती हूँ, अगर आपने जॉब की है देन प्लीज़ मेंशन योर एक्सपीरियंस इन दिस, इन योर CV एंड आल्सो इन दिस एप्लीकेशन. बिकॉज इसके कुछ मार्क्स होते हैं, एक्सपीरियंस के मार्क्स होते हैं, कोई अगर आपने सर्टिफिकेशंस लिए हैं उनके मार्क्स होते हैं, हर छोटी से छोटी चीज़ के मार्क्स होते हैं. तो आपने किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना. नेक्स्ट, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं नो इट्स वेरी टाइम टेकिंग, बिकॉज अगर आप क्लिक करेंगे येस पे, बिकॉज नाउ यू हैव टू mention a lot of things in this section. तो आप उसे उस चीज़ से बचने के लिए आप कहेंगे नहीं, से बेहतर है कि मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ तो टाइम मेरा सेव होगा. नहीं, टाइम की आपने परवाह नहीं करनी. टाइम के आपके 5 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, 10 मिनट, 15 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट होती हैं. उसके बाद आपने नेक्स्ट पे चले जाना है. नेक्स्ट पे आप जाएंगे तो आपने एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है. यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि देखिए इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन है उस पर ग्रीन क्लिक हुआ हुआ है, इट मीन्स कि इन्फॉर्मेशन वाला जो सेक्शन है वो 100% कंप्लीट हुआ हुआ है. बाकी अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं क्योंकि यहाँ पे ऑरेंज सर्कल बना हुआ है. तो यहाँ पे भी ऑरेंज सर्कल होगा, आपने उस पेज पे दोबारा जाना है और अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर देनी है. ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ
कि यहाँ पे मैंने अपनी इंफॉर्मेशन अपनी पुट नहीं की बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन माई PhD फ्रॉम इटली, तो मैं तो मास्टर में या बैचलर में एडमिशन नहीं लेना। तो ये सिर्फ वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि कहाँ पे आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। तो यहाँ पे सारे जो सारे सेक्शन है ये ग्रीन क्लिक होने चाहिए और एंड पे आके आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। आई एग्री विद द डिक्लेरेशन अबव, हाँ येस होता है। आई हैव रेड द प्राइवेसी एंड पॉलिसीज, येस, ये भी येस कर दिया। उसके बाद आपने इसे सबमिट कर देना है, सेव करके नहीं छोड़ना। सबमिट करेंगे तो आपका आपका फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज आपका नहीं होगा। ठीक है, अब देखें, योर एप्लीकेशन कुड नॉट बी सबमिटेड, प्लीज़ मेक श्योर डेट ऑल द ऑब्लिगेटरी फील्ड आर फिल्ड इन। कि जितनी भी जो ऑब्लिगेटरी फील्ड है मैंने काफ़ी सारी खाली छोड़ी हुई है क्योंकि मैंने तो एडमिशन लेना नहीं है। तो आपको मैं कह रही हूँ कि आपके पास ऐसा नोटिफिकेशन आएगा तो आप बैक पे जा सकते हैं, आपको यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा। तो आपने सबमिट पे क्लिक ज़रूर करना है तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कंसल्टेंट के पास ना जाएं, आप खुद से सारा काम करें क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट हर यूनिवर्सिटी की ऑलमोस्ट सेम है। आप एक दफ़ा डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर कर लें, उसके बाद यूनिवर्सिटी के जैसे जैसे एडमिशन ओपन होते रहेंगे आपको वीडियो देख देख के पता चलता रहेगा, उस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते रहें। आज की इन्फॉर्मेशन जो है आई थिंक आपको काफ़ी यूज़फुल लगी होगी, आपको सारी चीज़ों की समझ आई होगी। अगर आपको सारी चीज़ों की समझ आई है देन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आने वाली जितनी भी और बल्कि आइकन को दबाना ना भूलिएगा बिकॉज आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपसे मिस ना हो। क्योंकि डेली ऑलमोस्ट डेली मैं एप्लीकेशन जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की जिन जिनके भी कॉल ओपन होती जा रही है उसके मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, वो सारा कुछ मैं आपको बताती रहूँगी और कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। ओके, थैंक यू सो मच।